अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशी मकबूल आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत फेरी बेबी ड्रेस डिज़ाइन लाई है। इंतहाई खूबसूरत नेक फैब्रिक का आपको इसकी डिज़ाइनिंग दिखाने का मकसद होता है। आप जो व्यूअर्स मेरे घरों में स्टिचिंग करते हैं वो इस तरह के फेरी ड्रेसेस बना सकते हैं कैन लगा कर, क्योंकि अक्सर हम अपने जब डिज़ाइन दिखाते हैं फैशन डिज़ाइनिंग वीडियोज़ तो अक्सर व्यूअर्स कहते हैं हमें आप कटिंग स्टिचिंग नहीं दिखाती, जबकि मेरे चैनल में इसी चैनल में कटिंग स्टिचिंग भी मौजूद है और इनकी डिज़ाइनिंग भी। अब आप देख सकती हैं बॉडी की डिज़ाइनिंग, मैं आपको डिटेल के साथ इसकी डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी क्योंकि ये हमने इसकी वीडियो अपलोड नहीं की हुई स्टिचिंग की। ये सिंपल एक नेट है, यानी कि नेट लेस ली है, इसको हमने बॉडी के साथ अटैच कर दिया है। आप देख सकती हैं इसमें नेट फैब्रिक को लगा कर इस तरह से डिज़ाइन किया है, ये देख सकती हैं। आप तिरछी पट्टी भी डबल फोल्ड ले सकती हैं और सीधी भी, इस तरीके से लगाकर आप शोल्डर में अटैच कर लें, क्योंकि मैं अभी आपको बैक का डिज़ाइन भी दिखाऊंगी। यही नेट हमने लेस फैब्रिक होता है, ये नेट फैब्रिक भी मिल जाता है। आप इस तरह से खूबसूरत तरीके से इसकी टेल बना सकती हैं, अप डाउन टेल। ये देखें बैक साइड पर है, इसमें हमने अभी मैं आपको डिटेल से इसकी बैक साइड दिखाती हूँ, पहले आपको फ्रंट साइड दिखा दूँ, क्योंकि फ्रंट हमने अप बनाया है, ये देख सकती हैं, और अंदर कैन है। और जब बेबी पहनती है इस टाइप के ड्रेसेस तो टेल जो पीछे की साइड थोड़ी ज़्यादा है ये नज़र आती हुई गिरी हुई नीचे ज़मीन पर बहुत ही खूबसूरत लगती है। क्योंकि कुछ ऐसा भी होता है जब हम वीडियो दिखा रहे होते हैं तो सेम जो इसकी असल लुक होती है आपको वीडियो में नज़र नहीं आती, जो कि पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप देख सकती हैं ये रियल में इंतहाई खूबसूरत बेबी फ्रॉक है, ग्लिटर वाली नेट है, और इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा हम रियल में अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो इसकी डिज़ाइनिंग का। ये देखें व्यूअर्स बैक साइड का डिज़ाइन गौर से देख लें, बैक साइड पर भी सेम उसी ट्रिक से लैस लगाई गई है। बैक साइड वी साइड है और वी साइड पर हमने बो बनाकर लगा दी गई है। बैक साइड की बो पर ये नेक लाइन वी है, इसमें आप देख सकती हैं वी गला। आप हाई नेक का इस्तेमाल कर सकती हैं स्लीव्स के लिए, विंटर सीजन में अक्सर ऐसा होता है हमारी लेडीज़ चाहती हैं बेबीज़ को सर्दी ना लगे तो आप नेक डिज़ाइन यानी कि नेक लाइन वाली हाई नेक पहना दें इस तरह से। अब ये देखें जो हमने आपको डिज़ाइनिंग वाली नेट बताई है ये गिरी हुई टेल की तरह तिरछी और अप डाउन बहुत खूबसूरत लग रही है, और नेट फैब्रिक की टेल काफ़ी ज़्यादा लंबी है, आप देख सकती हैं। ये देखें व्यूअर्स, और जब बेबी इस तरह के डिज़ाइन पहनती है ड्रेसेस पहनती है तो फेरी की तरह बाल गाउन ड्रेसेस पहनने के बाद वो बिल्कुल एक प्रिंसेस लगती है, बारबी लगती है। तो आपने स्टार्ट में स्लोमो में देखा होगा कि थोड़ा सा मैंने आपको इसकी लुक दिखाने की कोशिश की है कि ये पहनने के बाद इतना खूबसूरत लगेगा, और इसमें कैन का इस्तेमाल भी है। ये देखें व्यूअर्स इसमें कैन हमने बहुत सारी वीडियोस में आपको कैन बनाने का लगाने का तरीका बताया, मैंने डिटेल से आपको इसकी डिज़ाइनिंग दिखा दी है। उम्मीद करती हूँ आपको डिज़ाइनिंग अच्छी लगे होगी। प्लीज़ इसकी वीडियो को हमने अपलोड नहीं किया हुआ कटिंग स्टिचिंग का तो प्लीज़ माजरत खाएँ, लेकिन इन हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे कटिंग स्टिचिंग के साथ। तो व्यूअर्स अगर आपको ये बेबी ड्रेस डिज़ाइनिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिए कि आपको ये बेबी फ्रॉक कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, लेकिन इसकी शेप असल में पहनने के बाद आपको सही नज़र आएगी कि ये किस तरह का बेबी ड्रेस है। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।